हे दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के एक छुपे हुए रत्न हाथरस जिले की यात्रा पर ले जा रहा हूं। शायद आपने हाथरस के बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन यकीन मानिए, यह अनकही कहानियों और समृद्ध इतिहास से भरी जगह है। सबसे पहले चलिए हाथरस के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बात करते हैं। इस छोटे से जिले ने कई साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है, प्राचीन मौर्य और गुप्त राजवंशों से लेकर हाल के मुगल और ब्रिटिश काल तक। हाथरस इतिहास के कई महत्वपूर्ण क्षणों का मूक गवाह रहा है। जिले में बिखरे पुराने किले और खंडहर वीरता और भव्यता की कहानियां सुनाते हैं। हाथरस में घूमने के लिए जरूरी जगहों में से एक है राजा दयाराम का किला। हालांकि यह भारत के कुछ अधिक प्रसिद्ध किलों जितना भव्य नहीं है, लेकिन इसका एक अनूठा आकर्षण है। इसके प्राचीन गलियारों से गुजरते हुए आप इसके गौरवशाली अतीत की फुसफुसाहटें लगभग सुन सकते हैं। अब चलिए सांस्कृतिक पहलू पर चलते हैं। हाथरस अपने पारंपरिक संगीत और नृत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से रसिया। लोक संगीत की यह शैली प्रेम का उत्सव है, जिसे अक्सर होली के दौरान गाया जाता है। रसिया गीतों की जीवंत ऊर्जा और हार्दिक बोल आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। और अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो हाथरस आपको निराश नहीं करेगा। यहाँ का स्थानीय व्यंजन स्वाद का एक रमणीय मिश्रण है। प्रसिद्ध हाथरस पेड़ा को चखना न भूले, एक मीठा व्यंजन जो आपके मुंह में पिघल जाएगा। इसके अलावा यहाँ का स्ट्रीट फूड कमाल का है। मसालेदार चाट से लेकर क्रिस्पी कचौरी तक, हर स्वाद के लिए कुछ न कुछ है। प्रकृति प्रेमियों के लिए हाथरस कुछ शांत स्थान प्रदान करता है। कीठम झील, जिसे सुर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, एक सुंदर पक्षी अभयारण्य है, जहाँ आप विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों को देख सकते हैं। यह एक शांतिपूर्ण नाव की सवारी या आरामदेह पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान है। हाथरस भले ही हर पर्यटक के नक्शे पर न हो, लेकिन यह वास्तव में घूमने लायक है। इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का इसका अनूठा मिश्रण इसे एक उल्लेखनीय गंतव्य बनाता है। हाथरस की 71.59% जनसंख्या साक्षर है। इनमें पुरुष 82.38% और महिलाओं की साक्षरता दर 59.23% है। हाथरस लिटरेसी। हाथरस जिले का गठन 3 मई 1997 को अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले के हिस्सों को मिलाकर किया गया था। मायावती सरकार में इस जिले का नाम गौतम बुद्ध की माता के नाम पर महामाया रखा गया था। हाथरस भारत के उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर एवं लोकसभा क्षेत्र है। हाथरस में दक्षिण पश्चिमी दिशा में 19वीं शताब्दी के एक दुर्ग के भग्नावशेष विद्यमान है। कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह इंगित करता है कि जब शहर बनाया गया था और इसे किसने बनाया था। जाट, कुषण, गुप्त साम्राज्य और मराठा शासकों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। 1716 सी में जाट फौर शासक राजा नंदराम के पुत्र भोज सिंह ने राजपूत शासकों से हाथों के शासन को ग्रहण किया। भोज सिंह के बाद उनके पुत्र सदन सिंह हाथरस के शासक बने। उसके बाद उनके पुत्र भरी सिंह। ऐसा माना जाता है कि भूरी सिंह के शासनकाल में भगवान बलराम का मंदिर हाथों के किले के भीतर बनाया गया था। 18वीं शताब्दी के अंत में राज्य इंद्रजीत सिंह थानुआ द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका बर्बाद किला अभी भी शहर के पूर्व छोर पर है। रेलवे स्टेशन का नाम हाथरस किला है, जिसका अर्थ हैथस किला है। 1803 में इस क्षेत्र को ब्रिटिश द्वारा कब्जा कर लिया गया था, लेकिन प्रमुख के निषेध के लिए 1817 में किले की घेराबंदी के लिए जरूरी हुआ था। हर साल लक्खा मेला को भगवान बालम मंदिर में मनाया जाता है, जो लोकप्रिय रूप से डू बाबा के नाम से जाना जाता है। हाथरस का इतिहास श्री भूरी सिंह के बाद शुरू होता है, जब उनके पुत्र राजा देवराम को 1775 सी में ताज पहनाया गया था। 1784 में सिंधिया शासक माधवराव आई सिंधिया ने हथत्रों के क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया। हिंदुओं, बौद्ध और जैन संस्कृति के पुरातत्व अवशेषों के साथ साथ शंघ और कुषण काल के सामान हाथों में कई स्थानों पर पाए गए पुरातात्विक और ऐतिहासिक वस्तुओं में से हैं। राजा देराम के किले मौर्य काल से हाथरस शहर में स्थित थे, जो 2 शताब्दी ईसा पूर्व में था। भूरा रंग का बर्तन और सप्त मट्रिकलम, कुषाण काल की मिट्टी प्रतिमा। क्षेत्र रेश महादेव क्षेत्र में उल्लेखनीय पुराने मंदिरों में से एक है। वस्तुओं के अवशेष जब शाव शासकों और नागाराजों का वर्चस्व उस समय हुआ जब कई बिखरे हुए स्थानों में स्थित थे।
नागवंशी क्षत्रिय कबीले शासकों की अवधि के दौरान नायर सेश्वतारा भगवान बलराम जी बहुत महत्व के थे और उनके मंदिर इस क्षेत्र में पाए जा सकते हैं। पुरानी टूटी हुई मूर्तियां जिनमें महान पुरातात्विक मूल्य है अभी भी ब्रज क्षेत्र में पूजा की जाती है। यहां खोजा जाने वाले पुरातात्विक अवशेष और मूर्तियां मथुरा संग्रहालय में रखी गई हैं। नयनगंज के जैन मंदिर जैन संस्कृति की कहानी कहता है। संवत 1548 यहां सबसे पुरानी मूर्तियों पर लिखा है। अन्य लोगों के अलावा सिकंदर राव, महो और सासनी के अवशेषों के अंतर्गत अधिक ऐतिहासिक वस्तुएं खोल दी गई हैं। बौद्ध काल से मूर्तियों के अवशेष साहपौ और लखनऊ जैसे स्थानों में बिखरे हुए थे। कई एकत्र हुए और अलीगढ़ में मथुरा संग्रहालय और जिला परिषद कार्यालय में रखे गए। सहपुआ के भद्रकाली मंदिर भी पुरातात्विक मंदिरों की श्रेणी में आते हैं। घाट रामायण लिखकर संत तुलसी साहब ने हाथों की प्रसिद्धि दूर स्थानों तक फैलाई और उनके शिष्य सियाल, किला गेट, हाथर्स में उनकी कब्र पर हजारों में अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए इकट्ठा हुए। इस क्षेत्र में कई अन्य मंदिर हैं, बोहेली वाली देवी, शहर के स्टेशन पर गोपेश्वर महादेव, चौबे वेले महादेव, चिंताहारान, मसानी देवी, चावर गेट के श्री नथ जी, चामुंडा माँ मंदिर, दीबागाली में भगवान वाराह मंदिर और भगवान बलराम के कई मंदिर ग्रामीण मंदिरों में भगवान दाऊजी महाराज जी का मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। गढ़ी, हवाले और किले जिनकी अवशेष अभी भी मौजूद हैं, वे पुराने जाट जामंदार के हैं। नवाब मंडू और सदाबाद, पिलखुनिया के जालिंदर के हवाले, लखनऊ, फहरपुर और हयायकन को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा। तो अगली बार जब आप उत्तर प्रदेश की यात्रा की योजना बनाएं, तो अपने यात्रा कार्यक्रम में हाथरस को शामिल करना सुनिश्चित करें। आप यादों और कहानियों के साथ वापस आएंगे जो आपके साथ हमेशा रहेंगी। हाथरस के इस वर्चुअल टूर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।